नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या बाजी पलटी कि पूरा माहौल ही बदला गया। 2024 से पहले देश में मोदी सरकार हुआ करती थी, अब एनडीए सरकार है। इस एनडीए सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट कल पेश किया। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें थी। इस बजट को लेकर कहीं ना कहीं आज महाराष्ट्र लेवल पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गट ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका ऐसा आरोप है कि इस बजट में महाराष्ट्र के लिए बहुत कुछ नहीं है, और इसी आरोप में उन्होंने आज महाराष्ट्र लेवल पर अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में यह प्रदर्शन आज नालासोपारा के एसटी डिपो के पास भी हुआ, जिसमें वसई विरार की स्थानिक इकाई भाग लेते हुए विरोध प्रदर्शन किया। देखिए इस विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हुई ये तस्वीरें, और सुनिए क्या कुछ कहा इनके नेता ने। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। माते साहेब, हे आंदोलन मध्ये आपण काय सांगणार? कालचा जो आपला केंद्रीय सरकारने जो मांडलेला आहे, अर्थसंकल्प मांडलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपल्या महाराष्ट्रामध्ये कुठल्याच बाबतीचं सहकार्य केलेलं नाही। फक्त इथून निधी नेला जातो आणि महाराष्ट्र आणि मुंबईमधूनच आपला जास्तीत जास्त आपल्या भारत देशाला इथून जास्तीत जास्त पैसा आणि निधी दिला जातो। परंतु आपल्या या महाराष्ट्राला काहीही दिलेलं गेलेलं नाही। फार दुःखाची गोष्ट आहे। ज्या आज सरकार जे दोन पायावर उभं आहे, बिहार आणि आंध्र प्रदेश यांच्या, यांना इतकं भरभरून दिलेलं आहे की विचारूच नका, आणि बाकीच्या देश बाकीच्या राज्यांना काहीही दिलेलं नाही। परंतु येणारा काल फारच वाईट होणार आहे जर आपल्या या महाराष्ट्रातील जे नोकऱ्या, धंदे, शेतकरी वर्ग ह्या लोकांना काहीही दिलेलं नाही। फार दुःखाची गोष्ट आहे। आणि याच्या विरोधात आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या माध्यमातून, शरद पवार गटच्या याच्यातून आम्ही आज पूर्ण महाराष्ट्रात हे आंदोलन चालू आहे, आणि असंच चालू राहील जर आमचा विचार केला नाही तर। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा अर्थसंकल्पाचा एकच दोष, महाराष्ट्र दोष, महाराष्ट्र दोष, अर्थसंकल्पाचा एकच दोष, महाराष्ट्र दोष, महाराष्ट्र दोष। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।